नमस्कार है दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है, एक बहुत ही जरूरी चीज़ पर एक आर्टिकल है। दोस्तों, आर्टिकल ये है कि आप अगर म्यूज़िक के शौक़ रखते हो, मतलब आपको अगर सॉन्ग सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कि अरेबिक में हो, चाइनीज़ में हो, है ना, और आपको भी वैरायटी वाइज अगर म्यूज़िक सुनना पसंद है, चाहे वो रोमांटिक हो, वाई रोमांटिक म्यूज़िक हो, बर्थडे से रिलेटेड म्यूज़िक हो, या फिर ट्रेडिशनल म्यूज़िक हो, क्लासिक म्यूज़िक हो, या तरह तरह के म्यूज़िक आपको अगर सुनना पसंद है, तो आप लोग वेट क्यों किस बात का कर रहे हैं? इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारा कुछ समझ आएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, लगभग लगभग इस वीडियो में एक आर्टिकल है, यहाँ पर सॉफ्टोनिक नाम की एक वेबसाइट है, उसके द्वारा, सॉफ्टोनिक इस वेबसाइट द्वारा, लगभग इस वीडियो में आपको बताऊँगा, इस softonic.com नाम की वेबसाइट द्वारा एक आर्टिकल है इसी चीज़ के ऊपर, कि भाई लगभग लगभग 30 ऐसे टॉप इन्होंने ऐसे ऐप बताए हैं जो कि म्यूज़िक सुनने के लिए है। मतलब कि आप इन 30 ऐसे ऐप हैं, इनकी मदद से म्यूज़िक सुन सकते हैं। मतलब अगर आप गाने का शौक़ रखते हैं, म्यूज़िक सुनना पसंद है, और ना कि सिर्फ पसंद है, इसमें तो कुछ ऐप ऐसे भी हैं जहाँ पर आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, मतलब कि खुद गाकर उधर म्यूज़िक डाल सकते हैं, और ये सारे फ्री हैं। सोचिए, मैं आप इसमें कुछ ऐसे भी इसमें ऐप हैं जो कि फ्री हैं, लेकिन उनके सारे चीज़ें फ्री एसेसिबल नहीं है, मतलब कि आप हर चीज़ को उसमें, उनके ऐप में जाकर हर चीज़ फ्री में नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको उसमें चार्ज वगैरह लगेगा। जैसे आप स्पॉटिफाई का नाम आपने कभी सुना हो, स्पॉटिफाई है, अमेजोन म्यूज़िक है, मेनली कंपनी अमेजोन है। अमेजोन ने अमेजोन का एक ग्रोसरी के तरीके से बनाया, शॉपिंग के लिए उन्होंने अलग से वेबसाइट बनाई, उसका सर्विस करा। उसके अलावा उनका अमेजोन वेब सर्विसेज AWS भी है, और अमेजोन कंपनी का ही म्यूज़िक भी है, मतलब कि अमेजोन कंपनी का म्यूज़िक नाम से एक ऐप भी है, जिससे लोग आसानी से कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा लगभग 30 ऐसे म्यूज़िक ऐप जिनकी मदद से आप फ्री में उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, खास खासकर अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं। बेसिकली आपको पता है कि आप अपने, देखिए, मोबाइल कोई भी ऐप जो होता है ना, ऐप उसको आप अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में लेते हैं, भले ही वो एक प्ले स्टोर उसके अंदर चल रहा हो, एक एंड्रॉयड हो या फिर एक आईफोन। दो तरीके से मोबाइल अभी करेंटली वर्ल्ड के अंदर उतारे गए हैं, दुनिया में स्टोरों में उतारे गए हैं, दो तरीके से मोबाइल उतारे हैं। पहला इन्होंने उतारा है, एक तो एंड्रॉयड, इन्होंने वर्जन नाम रख दिया उसका एंड्रॉयड, ठीक है जी, एंड्रॉयड ऐप्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स। यानी जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप एक आईफोन वगैरह चलाओगे, तो आईफोन जो है वो एक एंड्रॉयड नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड मतलब आप नाम में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मतलब ये समझिए, एंड्रॉयड मतलब ये है किसी कंपनियों ने जो बनाया मोबाइल स्मार्टफोन, कम बजट वालों को एंड्रॉयड नाम दिया, उसमें कुछ अलग फीचर रखे, और आईफोन वालों ने कुछ अपने अलग फीचर रखे, और उन्होंने अपने मोबाइल को आईफोन नाम दे दिया, ठीक है। इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना होता इन नाम में। आईफोन, अब एप्पल की मर्जी थी, उसने अपने मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन बनाए उसको उसने आईफोन कह दिया, कुछ भी कह सकती थी, जब कंपनी का नाम एप्पल रख सकते हैं, तो उन्होंने उसके बनाए गए मोबाइल फ़ोन को उन्होंने आईफोन कहा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके से स्मार्टफोन अभी वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया भर में। एक तो कर रहा है आईफोन, जो कि एप्पल कंपनी द्वारा है वर्ल्ड में पॉपुलर, दूसरा इसके अंदर है एंड्रॉयड। जैसे कि आप अगर वीवो, ओप्पो, सैमसंग या फिर गूगल का भी अगर आप मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, स्मार्टफोन, तो ज़्यादातर वो लोग एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड एक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यूज़ हुई, जिसको उन्होंने एंड्रॉयड नाम दिया है, ठीक है। तो आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग एंड्रॉयड वाले हो या आईफोन वाले हो, आपके पास अगर एक ऐप स्टोर और अगर एक प्ले स्टोर आपके मोबाइल में इनबिल्ट होता है, वो आता ही है स्मार्टफोन में, तो उसकी मदद से आप इन 30 के 30 ऐप को डाउनलोड करके ना कि सिर्फ किसी भी म्यूज़िक को सुन सकते हैं, बल्कि उन म्यूज़िक में से किसी भी म्यूज़िक पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना खुद का म्यूज़िक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब खुद की एक गाना, सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम के ऐप हैं, लगभग 30 ऐसे ऐप इस वीडियो में आपको दूंगा इस आर्टिकल की मदद से। ये आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है,
वहां से उठा लो, लगभग 30 ऐप की बात कर रहा हूँ, यानी कि ना कि सिर्फ 2, 5, 10 बल्कि पूरे के पूरे 30 ऐसे ऐप रख रहा हूँ इस वीडियो में आपके सामने, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट इन ऐप्स को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में, मोबाइल वगैरह में इसको डाउनलोड करके इन ऐप्स की मदद से अच्छे खासे गानों को सुन सकते हैं। अभी देखिए, इनमें कुछ ऐप ऐसे होंगे जिसमें कुछ क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह मिल जाएंगे, कुछ ऐसे म्यूज़िक मिल जाएंगे जो कि मॉडर्न टाइप होंगे, इंग्लिश म्यूजिक्स होंगे, हिंदी होंगे, पंजाबी, गुजराती म्यूजिक वगैरह भी मिलेंगे। मतलब इन ऐप के अंदर एक स्पेशलाइजेशंस होती हैं जिसमें ये लोग अपने फीचर में रखते हैं कि आप इस तरीके के म्यूजिक सुन पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन 30 ऐप की मदद से आप बहुत सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये 30 के 30 ऐप बहुत मज़ेदार इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस सारे 30 के 30 ऐप के डायरेक्ट एसेस दे रहा हूँ इस वीडियो के सही नीचे, ये आर्टिकल मैंने पिन करा है, मतलब छोड़ दिया है, उसमें आप डायरेक्ट आ सकते हो, इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, याद रखिए दोस्तों, इन ऐप की मदद से आप अच्छे खासे गाने सुन सकते हैं, फ्री में सुन सकते हैं, सुन भी सकते हैं स्पेशली, साथ साथ यहाँ पर अपलोड वगैरह भी कर सकते हैं खुद के गाने भी। ठीक है, अब ऐसा होगा कुछ ऐप पर ऐसा होगा कि किसी किसी फील्ड के म्यूजिक्स की, जैसे इंग्लिश म्यूजिक हो गया, रोमांटिक म्यूजिक हो गया, लव म्यूजिक्स हो गए, या कपल म्यूजिक्स हो गए, ठीक है, या फिर मॉम फादर को लेकर म्यूजिक हो गए, या किसी कल्चर या इवेंट या फेस्टिवल को लेकर कोई म्यूजिक वगैरह हो गए, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर ज़्यादा कम हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस किन लोगों ने जाके किस तरीके के म्यूज़िक ज़्यादा डाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ लगभग लगभग 30 ऐसे टॉप फ्री ऐप्स जो कि म्यूज़िक सुनने के लिए बहुत अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। तो आपके लिए काम की वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझ आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर ही देना, और साथ में कमेंट में नए टॉपिक भी अपने बताते चलना, जो भी आपके वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे दुनिया भर के कोई से भी टॉपिक आपके मन में आए उसको वीडियो के नीचे छोड़ते हुए जाना। ठीक है, उसके ऊपर आने वाले समय के मतलब कि कल परसों भर में आपको उस पर वीडियो मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में समझिए लगभग 30 ऐसे फ्री ऐप रख रहा हूँ, म्यूज़िक ऐप जिस पर आप जाकर म्यूज़िक सुन सकते हैं, फ्री में सुन सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए अमेजोन कंपनी का अमेजोन म्यूज़िक है, एक एक ऐप के बारे में बताऊंगा और दो एक लाइन उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से सुने समझे। ठीक है, तो आप वर्ल्ड में कहीं से भी हैं, किसी भी देश से हैं, आप रशिया से हैं, यूक्रेन से हैं, चाइना से हैं, मलेशिया से हैं, कुवैत या फिर युगांडा और पेरू, ब्राज़ील, ब्रिटेन, या फिर कोई सी भी कंट्री मान लेता हूँ मैं, कोई सा भी ऐसा एरिया है जहाँ से आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड भर में, आपके लिए वीडियो खास है क्योंकि आप सभी लोगों के लिए फ्री ऐसे होंगे सारे ऐप। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ ऐप ऐसे हो सकते हैं जो किसी कंट्री स्पेसिफिक के लिए ऐसे ना हो, लेकिन मोस्ट चांस यही है कि आप 25 लगभग 25 ऐप इसके अंदर फ्री में ऐसे कर पाएंगे। 4-5 हो भी सकते हैं कि आपको प्रीमियम वगैरह या कुछ चार्ज वगैरह आपसे करे जा रहे हों। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पर अमेजोन कंपनी का अमेजोन म्यूज़िक नाम का ऐप है, ये भी फ्री है, लोग इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टू डाउनलोड ऑडियो एप्लीकेशन कर सकते हो, ये अमेजोन कंपनी द्वारा है ये, और इट लेट्स यूज़र एन्जॉय देयर अमेजोन म्यूज़िक लाइब्रेरी ऑन देयर स्मार्ट डिवाइसेस। इन एडिशन ये अमेजोन प्राइम मेंबर भी यहाँ पर मिलता है लोगों को, जिससे उनको और थोड़े एडअप म्यूज़िक वगैरह मिलने लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले टाइडल नाम का एक ऐप है, टाइडल या टिडल कह लो, टाइडल कहूँगा मैं इसको, टाइडल, ये एक फ्री ऐप है, हाई फाई म्यूजिक स्ट्रीमिंग फॉर मोबाइल, एक फ्री ऑडियो ऐप है फॉर मोबाइल डिवाइसेस दैट वाज क्रिएटेड बाय टाइडल। दिस म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड्स यूजर विद हाई फेडेलिटी म्यूजिक, इट ऑफर्स द, ये एक अच्छा सर्विस देते हैं, आप अगर अमेजोन म्यूजिक ऐप से भी आप सुन सकते हैं गाने फ्री में, अदरवाइज आप टाइडल में भी आ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। इसी के अल्टरनेटिव की इस टाइडल नाम के कॉम्पिटिटर कौन है इसी ऐप को लेकर, तो उसके लिए आप अल्टरनेटिव इसके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये हाई क्वालिटी है, iOS म्यूजिक है, iOS म्यूजिक फॉर आईफोन, देखिए यहाँ पर आईफोन फ्री, इसमें मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादातर आईफोन्स के अंदर चलता है ये वाला ऐप, टाइडल नाम का एक ऐप है, बेसिकली ये आईफोन्स में चलता है, एप्पल कंपनी जो स्मार्टफोन बना रही है जिसको वो आईफोन कह रही है, वो उसके अंदर आप देखोगे उसमें ये ऐप ज़्यादा आसानी से चलता है, और उसके लिए उसमें मतलब कि अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अमेजोन म्यूज़िक दूसरा ऐप, ये भी आपके लिए म्यूज़िक सुनने के लिए भी स्पेशली बहुत काम का है, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे इन ऐप में जो कि आपको ना कि सिर्फ सुनने के लिए बल्कि आपको खुद म्यूज़िक रिकॉर्ड करके डालने के लिए भी मदद करेंगे। ठीक है, ऐसे कि जैसे कि जिन जिन लोगों के
डले हुए म्यूजिक उन्होंने भी तो ऐप पे डाले हैं, इसी तरीके से आप भी डाल सकते हैं। ये चीज़ इनके ऐपों पर मिल रही होगी, बहुत ऐपों पर मिल रही होगी। कि अमेजोन म्यूजिक की बात करूँ तो अमेजोन म्यूजिक का अल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं। अमेजोन विंडोज़ पर भी चल जाएगा ये, मतलब विंडोज़ मतलब आप लैपटॉप चलाते हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो डला है तो आप चला सकते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के होते हैं, फिर कभी उसके ऊपर टॉपिक हम लेंगे कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार इकट्ठा आपको 40-50 बताएंगे। बहुत सी कंपनियाँ हैं जो सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से भी करोड़ों रुपये बना रही हैं वर्ल्ड में, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से काफ़ी रुपये बनाती है दुनिया भर से। अब देखिए हम अमेजोन म्यूजिक की बात करें तो ये ऐप एंड्रॉयड्स के लिए भी चलता है, आईफोन में भी चलेगा, ये एंड्रॉयड में भी चलेगा, ठीक है। ये इस तरीके का आपको दिखेगा। चेरीज म्यूजिक नाम का ऐप है, ये थर्ड ऐप आपको बता रहा हूँ, 5 स्टार मिला है इसको, मतलब कि पूरे पूरे स्टार लोगों ने इसको दिए हैं चेरीज म्यूजिक को। ये भी एक फ्री ऐप है एंड्रॉयड वालों के लिए, आप इसमें जाके गाने सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं। ये एक बेस्ट म्यूजिक प्लेयर की तरह काम करेगा, एमएक्स प्लेयर। मैं कुछ 4-5 ऐसे ऐप भी बोलूंगा जो इस लिस्ट में नहीं होंगे, जैसे मैंने सुने हैं उनके बारे में जाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपके काम आएंगे, ठीक है। डाउनलोड पर टिक करके डाउनलोड कर लेना। अगर आपको यहाँ पर जो लिस्टेड ऐप है, मतलब ये जो पूरे सूची के अंदर जो ऐप डले हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बाई चांस आप देखोगे तो आपको वीडियो के राइट साइड के बॉटम साइड में, मतलब कि वीडियो में राइट साइड के बॉटम में नीचे को आप आओगे तो यहाँ पर डबल सी कैप्शन नाम से एक ऑप्शन होता है, यूट्यूब एप्लीकेशन द्वारा है। इस फीचर का एक फ़ायदा मिलता है लोगों को, वो ये है कि इससे लोग जो भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएटर, स्पेशली यूट्यूबर या आप मान लो मैं खुद अगर वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूँ, जिस भी भाषा में बोलूँगा उसका अल्टरनेटिव, वो आपको दूसरी कोई अरेबिक हो गई, चाइनीज़ हो गई, या फिर कोई भी भाषा, कोई दूसरी कोई भी भाषा होगी, इटैली इटैलियन भाषा हो गई, या कोई दूसरी कोई भाषा हो गई, फ्रेंच हो, फ्रांसी फ्रांस की कोई भाषा, या जर्मनी हो गई, या अंग्रेज़ी इंग्लिश हो गई, उर्दू मराठी, या दूसरे जो भी कैप्शन में ऑप्शन आपके सामने आएंगे उसमें आप इस बातों को समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसी ऑडियंस होती है जो इस चीज़ को हिंदी में नहीं समझ पा रही होगी, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, चेरीस म्यूजिक के ऐप को अगर नहीं लेना चाहो तो इसके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, डाउनलोड डायरेक्ट इधर से कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने पूरा इसका पूरा आर्टिकल ये वीडियो के नीचे आपके लिए रख दिया है, ठीक है। तो इन ऐप्स को आप ले सकते हो। तो अभी हम 4 ऐप की बात कर चुके हैं, 3 की बात कर चुके हैं। अमेजोन प्राइम वीडियो नाम से एक ऐप है, ये भी फ्री है लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखिए फिल्म और टीवी शोज वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर आप म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई नाम की एक कंपनी है, जैसे अमेजोन है, स्पॉटिफाई म्यूजिक नाम से एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, फ्री होता है लोगों के लिए गाने सुनने के लिए स्पेशली, और ऑडियो बुक्स और पोएट्री रीडिंग वगैरह चलती है इधर। लेकिन बता दूं दोस्तों, इन ऐप में याद रखना, इनको यूज़ करते समय ये कुछ प्रीमियम वगैरह भी करवाती है, मतलब कि ये आपके कुछ चीज़ों की यूजेस के लिए ये आपको प्रीमियम रख देती हैं, है ना। जैसे मान लो गाना सुनते हुए बीच में एड वगैरह नहीं चाहिए, तो तब ये जैसे ही फेमस होने लग जाते हैं ना, ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, ये अपने वहाँ पर एड वगैरह चलने लग जाते हैं। ये तो आपको कॉमन सी बात है, आपका चैनल भी जैसे यूट्यूब पर चलने लग गया तो आपके वीडियो पे एड आने लग गए, अर्निंग आने लग गई, ये सिनेरियो हर जगह है। सेम वही स्पॉटिफाई म्यूजिक जहाँ फ्री में लोगों को शुरुआती तौर पर गाने सुनवा रहा था, आज भी सुनवाता है, लेकिन वो एड वगैरह बीच में लगाता रहता है, ठीक है। इससे लोगों का प्रमोशन वगैरह होता रहता है, लोगों के एड वगैरह चलते हैं चीज़ों को लेकर, और स्पॉटिफाई की अर्निंग बनती है क्योंकि आप वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो एड 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 प्रेजेंटर्स हैं उनकी भी अर्निंग्स वगैरह अच्छी खासी चलती है, मतलब आपका भी धंधा चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, और आपको जो आप लोग हो जो ऑडियंस हैं उनको गाना सुनने में मज़ा बनता रह रहा है, मतलब बनता जा रहा है, ठीक है। तो स्पॉटिफाई म्यूजिक नंबर नाम का ऐप यूज़ कर सकते हैं, फ्री है ये, आप यहाँ पर गाने वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, माई क्लाउड प्लेयर फॉर साउंड क्लाउड, ये भी एक ऐप है, ये भी एंड्रॉयड्स वालों के लिए है स्पेशली। अब म्यूजिक प्लेयर नाम का एक ऐप है, वो भी फ्री में आपको गाने वगैरह सुनाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें ऑडियो बुक्स वगैरह भी इन्होंने अब लॉन्च करना चालू कर दिया अपने ऐप पर, मतलब ये लोग अपने ऐप के अंदर फीचर डाल के वैरायटी वगैरह बढ़ाते जा रहे हैं। अभी क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सामने लगभग 30 ऐप रख रहा हूँ मैं, इन ऐप के बारे में आप देखोगे, इन ऐप के आगे आप मैं जैसे ही आता हूँ तो इनके आगे ना एक लाइन नीचे लिखी आने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि आप इसको क्लिक कर सकते हैं, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप इधर देखेंगे तो ये देखिए इस ऐप के बारे में और डिटेल में बताने लग जाते हैं ये लोग, जैसे कि इस ऐप के पास लाइसेंस है इस वजह से ये इस चीज़ को कवर कर पा
ज़्यादा है। और इसका वर्जन बताया इन्होंने, लेट लास्ट अपडेट कब कर रहा है ऐप, जो ऐप का ओनर है जिसने इस ऐप को इंटरनेट पर लॉन्च किया, वो लास्ट इसके अंदर चेंजेस वगैरह कब मार रहा है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बताई। कहाँ कहाँ चलेगा, तो एंड्रॉयड में आसानी से चलेगा ये बताया इन्होंने, ठीक है, ये सब चीज़ें बता रखी है इन्होंने। डाउनलोड कहाँ होगा, गूगल प्ले, ये प्ले स्टोर को गूगल प्ले बोलते हैं, वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो ये पूरी इन्होंने बात बता दी है इस ऐप के बारे में। इसी के ऑल्टरनेटिव लोगों को जानने हैं तो यहाँ पर और लिखे आ गए। तो इस तरीके से म्यूज़िक प्लेयर है, गो म्यूज़िक है, फ्री ऑफलाइन म्यूज़िक है, ये इतने सारे ऐप, बहुत सारे ऐप हैं वर्ल्ड में म्यूज़िक सुनने के लिए। लेकिन आपको अगर टॉप जानने हैं, जैसे आप देख सकते हो टॉप ऐप्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड में तो लैक्स ऑफ ऐप्स हैं, मतलब कि लाखों की संख्या में, लेकिन आपको बताने हैं सिर्फ 30, तो 30 बताने हैं, तो इसीलिए वो कलेक्शन यहाँ ज़रूरी था। तो ये ऐप आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ, अब मेरे को एक्चुअल में नहीं पता कि किस ऐप में आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही इनको डाउनलोड करोगे तो आप वहाँ देख पाओगे कि आप इसमें वहाँ पर अपने गाकर, खुद गाकर अपने म्यूज़िक को अपलोड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्री में हो रहा है, आप अपलोड कर दोगे गाना गाकर, फिर आपको रेटिंग वगैरह मिलने लगेगी, और आपके गानों को प्रसिद्ध, जैसे ही आप प्रसिद्ध होने लग जाओगे उस गाना गाने को गाकर, तो उसकी प्रसिद्धि के, जैसे आप पॉपुलर वगैरह हो रहे हैं, आपके गाने ज़्यादा सुनने लग रही है पीपल, पब्लिक, तो स्पेशली, तो आपको फिर उसकी अर्निंग वगैरह वो ऐप देने लगेगा। ऐसा बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि अगर वो आपसे गाना डलवा रहे हैं तो फ्री में नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब आगे चल के उससे आपके रुपए वगैरह बनने वहाँ से लग जाएंगे। रुपए, डॉलर, दिनार, यूरो, यूरो, ये करेंसियाँ हैं, अलग अलग देशों ने अपनी चला रखी है दुनिया में, जो वहाँ के पूरे जो आपकी इकोनॉमी होती है उसको चलाने के लिए, तो उसके ऊपर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपकी बात कर लेता हूँ, म्यूज़िक क्लाउड फ्री म्यूज़िक प्लेयर है, ये ऐप आप ले सकते हैं, डाउनलोड यहाँ से कर लेना, राइट साइड में सबके लिंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूवे सार्क, ये ऐप भी बहुत मस्त है, इसके बारे में दो चार लाइनें इधर लिखी हुई हैं, डा मिक्स हब मिक्स टैप म्यूजिक डाउनलोडर है ना, ये किसी भी म्यूजिक को आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। गूगल प्ले म्यूजिक नाम का है, जैसे कि यूट्यूब हाई क्वालिटी ऑडियो वगैरह आप इधर से सुन वगैरह सकते हैं। पंडोरा स्ट्रीमिंग म्यूजिक रेडियो पॉडकास्ट वगैरह यहाँ पर आपको मिलती हैं, आप खुद की पॉडकास्ट भी इस ऐप में जाकर बना सकते हैं। पॉडकास्ट काफ़ी लोग बनाते हैं, आप यूट्यूबर्स को देखते होंगे, उनकी पॉडकास्ट काफ़ी देखी जाती है, यूट्यूबर्स की देखी जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर जाके पॉडकास्ट करने लग रहे हैं तो वहाँ भी लोग देख रहे हैं, वहाँ पर चलते बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप वहाँ पर ऑडियंस आ रही है, क्योंकि लोगों को आता नहीं है। पहली बात तो पॉडकास्ट, इंटरव्यू किसी का करना, गाना बनाना, वीडियो बनाना, लोगों को आता नहीं है, ठीक है, इसीलिए लोग इन चीज़ों को देखते हैं, जिनको आती है उनसे सीखने के लिए स्पेशली ये चीज़ भी काम करती है। मैं आपको बोलूंगा पंडोरा एप्लीकेशन बेस्ट है म्यूजिक सुनने के लिए भी, और खासकर पॉडकास्ट वगैरह बनाने के लिए भी। ट्यून वाईफाई नाम का एक ऐप है, इसको भी आप ले सकते हैं, इसमें भी आप गाने वगैरह सुन सकते हो, लिरिक्स वगैरह भी मिलती है। अब देखिए इन ऐप के अंदर क्या है ना, कि गानों को आप सुनने के साथ साथ लिखा हुआ भी उसको पढ़ पाएंगे, जैसे जैसे जो जो लाइन उसमें बोली जा रही है उस तरीके से चल रही है, ये सब चीज़ें, एल्बम आर्ट, मोर जैसी चीज़ें मिलेंगी। यूट्यूब ने ही खुद का एक म्यूजिंग म्यूजिक नाम से एक ऐप छोड़ा हुआ है इंटरनेट पे, जिसमें लोग गाने सुन सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें से कुछ ऐप ऐसे भी होंगे, जब आप अपने स्मार्टफोन में अपने उसको राइट साइड में जो एक बटन होता है जो ऑफ करता है, आप सडन ऑफ करता है आपके स्मार्टफोन को, तो आप देखोगे यूट्यूब की वीडियोज़ में क्या है कि आप उसकी वीडियो को हटाएंगे तो, मतलब उस जैसे ही आप अपने मोबाइल की, स्मार्टफोन की लाइट ऑफ कर देते हैं, तो वैसे ही आप देखोगे कि आप अपने म्यूजिक को सुनना बंद कर दोगे, ऑडियो आना बंद हो जाती है। लेकिन इसी तरीके से यूट्यूब का म्यूजिक सॉन्ग जो ऐप है, यूट्यूब म्यूजिक का जो ऐप है, उसमें भी यही सीन है कि आप देखोगे कि उसके गाने सुन रहे हो, और आप, और जैसे ही आप, आपका मान के चलो आप मोबाइल की, स्मार्टफोन की लाइट बंद करते हो, तो वो म्यूजिक जो आप सुन रहे थे यूट्यूब पर वो बंद हो जाएगा चलना। ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसके अल्टरनेटिव ढूंढो, जैसे कि ट्यून वाईफाई और हुआवे म्यूजिक, इस तरीके से ऐप जो होंगे, ये आप भले ही अपने लाइट ऑफ करके, मतलब ऐप को हटा दिया, गाना चलाया, ऐप को बीच वाला जो आपका जो तीन बटन होते हैं आपके स्मार्टफोन के अंदर नीचे की साइड में, जो सेंटर वाला होता है ना, उसको दबाकर आप इनको, ऐप को हटा सकते हैं और इन गानों को चलने दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब बैटरी सेविंग वाला कंडीशन भी अच्छा आपका यहाँ काम करेगा। तो मतलब कह रहा हूँ, तो इस तरीके के ऐप आप देख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐप होंगे जो कि डायरेक्ट गानों के साथ उसमें वीडियो वगैरह भी दिखा रहे हैं, कुछ लिरिक्स दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके गाने चला दिए, और जैसे ही ऐप को हमने मिनिमाइज़ करा, जैसे आप इस तरीके से स्क्रीन पर, जैसे इस तरीके से मिनिमाइज़ करते हैं
लैपटॉप पे, उसी तरीके से आपने जब फ़ोन के अंदर किसी स्क्रीन चलती हुई स्क्रीन को मिनिमाइज़ किया तो ऐसा होता है कि उनके गाने वगैरह बंद हो जाएंगे। लेकिन बहुत से एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लोग ये फीचर देते हैं कि उनके ऐप के गाने चलते रहें, भले ही आप उसको मिनिमाइज़ करने लग रहे हो तब भी। तो हुआवे म्यूज़िक एक अच्छा ऐप हो सकता है। म्यूज़िक प्लेयर, प्लेयर फ्री ऑनलाइन म्यूज़िक ऐप है, ठीक है, यूएस और इंडिया फेवरेट म्यूज़िक प्लेयर है ये स्पेशली। अब देखिए कुछ ऐसे ऐप भी है जो सिर्फ एक देश या दो चार देश के गानों के लिए स्पेसिफिक बने हैं, मतलब कि वहीं के गाने सुना रहे हैं। इंडिया और यूएस के ज़्यादा पॉपुलर फेवरेट गाने यहाँ से सुनते हैं लोग, म्यूज़िक प्लेयर फ्री ऑनलाइन म्यूज़िक ऐप से, ठीक है जी। तो इस तरीके से डीजर है और नेपस्टर है, आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सावन म्यूज़िक एंड रेडियो, ये सावन नाम का जो ऐप है ये जियो नाम की कंपनी है, जियो, जियो ने एक सावन नाम का ऐप बनाया है जिसको बोलते हैं आप लोग जियो सावन। तो इससे इसको ऐप को भी आप लेकर यहाँ से गाने वगैरह ना सुन सकते हैं आसानी से, अपने गाने भी अपलोड कर सकते हैं, एल्बम वगैरह यहाँ लोड करके अपलोड मार सकते हैं, फ्री चीज़ें चलती हैं ये सब, गाने वगैरह डालने डाला भी फ्री जा रहा है, सुना भी फ्री जा रहा है, सब कुछ फ्री चल रहा है ना। अब आप कहोगे ये ऐप होल्डर्स या ओनर्स वगैरह रुपए कैसे बना रहे हैं जब आप लोग यहाँ पर फ्री में डाल रहे हो गाने सुन रहे हो, क्योंकि आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो जिससे कि वो ऐप की प्रसिद्धि बढ़ रही है और आप जो सुनने वाले लोग हैं उनका स्पेंड हो रहा है। तो इस चक्कर में जो गाना बनाने वाले हैं, जो डालने वाले हैं उधर, वो लोग इस तरीके से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और जो गाने जो जो गाकर डाल रहे हैं उधर गाने, उनको पैसे दे रहे हैं ऐप वाले, क्योंकि उनके ऐप को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सब लोगों के यहाँ पर अर्निंग्स वगैरह चलती हैं। तो MP3 म्यूज़िक डाउनलोडर, डाउनलोड प्लेयर प्रो, ये भी एक फ्री प्रोग्राम है एंड्रॉयड वालों के लिए, इसमें भी म्यूज़िक वगैरह आप सुन सकते हो, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, सब फ्री होता ही है, ठीक है। एप्पल म्यूज़िक है ये आप देखोगे तो एप्पल म्यूज़िक जो बनाया गया है, ये एप्पल फॉर आईफोन फ्री है, आईफोन वालों के लिए, सबके लिए फ्री रखा गया है इसको, एप्पल फॉर एप्पल म्यूज़िक यहाँ पर मैक वालों के लिए। देखिए मैक क्या होता है, मैक मतलब कि आप अगर एप्पल कंपनी के लैपटॉप वगैरह चलाओगे उसको मैकबुक कहते हैं, एप्पल कंपनी ने अपने लैपटॉपों को मैकबुक कहा जिससे कि उनकी मार्केट में एक अलग नाम बन जाए कि हम इसको लैपटॉप नहीं, हम एक मैकबुक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल फॉर मैक, यानी अगर आप एक लैपटॉप में खासकर वो एप्पल कंपनी का है तो उसमें भी इसको आप चला पाएंगे, आईफोन में चला पाएंगे आसानी से, ठीक है, एप्पल म्यूज़िक नाम से। सोलफुल म्यूज़िक ऐप है, ऑटो रैप है, उसके अलावा टॉप MP3 म्यूज़िक प्लेयर है, स्टार मेकर भी है। स्टार मेकर एक अच्छा ऐप माना गया है लोगों द्वारा, इस पर ना कि सिर्फ लोग गाने सुन रहे हैं बल्कि उसको खुद से गाकर भी डालते हैं, ठीक है। ऑफलाइन म्यूज़िक प्लेयर, मिक्स ट्यूब और MP3 जूस, फ्री MP3 डाउनलोडर और सैमसंग म्यूज़िक। देखिए अब इन कंपनियों को देखिए, आप मैं आपको बताऊँ, ये सैमसंग म्यूज़िक है, अब सैमसंग कंपनी कितने गैजेट वगैरह बनाती है, टीवी लैपटॉप टीवी वगैरह बना रही है, मोबाइल्स वगैरह बनाती है, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक ऐप भी छोड़ा हुआ है। सोचिए कंपनियाँ इतनी ज़्यादा आगे होती है फिर भी अर्निंग का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। आप यहाँ देख लो सैमसंग म्यूज़िक नाम की कंपनी ने अपना ऐप छोड़ा हुआ है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए स्पेशली, कि आप वहाँ जाओ फ्री में गाने वगैरह सुनो, ना कि सुनो वहाँ पर डाल भी सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक डाउनलोड ऐप है, आप इधर जाके आसानी से इस ऐप पर जाके गाने वगैरह सुन सकते हैं। कैब फ्री MP3 म्यूज़िक डाउनलोड, MP3 म्यूज़िक डाउनलोडर फ्री म्यूज़िक डाउनलोड। तो इस तरीके के मैंने आपको लगभग 30 ऐसे ऐप बताए, इनको आप ना कि सिर्फ डाउनलोड करेंगे बल्कि इसके अंदर आप अच्छे अच्छे खासे गाने सुन पाएंगे, और अपनी मर्ज़ी से खुद के लिए खुद से भी कोई गाने अगर अपलोड करने हैं आपको गाना वगैरह गाकर, तो वो भी आप इधर डाल सकते हैं। इसमें आप बता दूँ 30 में से ऐसे 15 ऐप आराम से होंगे जो कि ना कि सिर्फ म्यूज़िक आप वहाँ सुन सकते हो बल्कि अपलोड वगैरह भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी आप उठा सकते हैं इन ऐप्स से, ठीक है। तो ये मैंने आपको 30 ऐप बताए, ये वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। softonic.com वेबसाइट से उठाई गई डिटेल है ये, मेरे द्वारा कोई भी इसमें डिटेल नहीं थी, क्लियर कर दूँ, ये डिटेल डायरेक्ट softonic वेबसाइट है उसके द्वारा ये पूरा मैंने आपको बताया है, कि ये जो पूरी लिस्टेड वेबसाइट्स और लिस्टेड ऐप्स की डिटेल मैंने आपको इधर दी है, ये टॉप 30 म्यूज़िक लिसनिंग ऐप्स, ठीक है, और ना कि सिर्फ लिसनिंग बल्कि आप साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इनमें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इन ऐप को गाना सुनने के लिए ज़्यादा लोग जानते हैं, अपलोड करने के लिए इतना लोग नहीं जान रहे इन ऐप को, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये 30 ऐप के बारे में पूरा क्लियर हुआ है, एक एक जानकारी 0 to 100 क्लियर हुई है। किसी का कोई ऐसा पॉइंट हो भाई इसके अंदर भी अगर लगता हो
तो आप कमेंट में बताएंगे, नए टॉपिक भी कमेंट में बताएंगे, और लोगों अपने कुछ फीडबैक वगैरह भी छोड़ सकते हैं कमेंट पर, जो भी लगता हो, जो भी बातें बतानी हो बताए जा सकती हैं आपके द्वारा। सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना ही है, और शेयर वगैरह भी करना ही है, ठीक है? और इतना ही बस आपके लिए, और मैं आपसे जल्द ही मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।